अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफ एल्स के सिंपल से हमने कॉन्सेप्ट देखे थे कि इफ एल्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। वहाँ पे जस्ट हम लोगों ने दो ऑपरेटर यूज़ किए थे, ग्रेटर देन और लेस देन का ऑपरेटर, और देन इक्वल इक्वल टू का भी ऑपरेटर। तो इफ एल्स में हमारे पास यहाँ पे और भी ऑपरेटर होते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वो ऑपरेटर सारे देखने हैं कि हम लोग वो ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। उसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं ताकि आपकी वहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट बने होंगे, तो उसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, और साथ हम लोग इफ एल्स में जितने भी ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो भी सारे सीख जाएंगे। तो दो नंबर हम लोग ले लेते हैं, इंट एक्स एंड वाई, और देन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये नंबर जो हमने वैल्यू इंटर की थी वो हमने खुद से इंटर की थी। अभी हम एक्स और वाई में जो यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और देन इंटर वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, ये हमने देखा था कि अगर हमने वैल्यू जो है वो कोई इंटर करवानी हो तो हम यहाँ पे जस्ट राइट यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। देन इसी तरह हम लोग इंटर वैल्यू ऑफ वाई भी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग वाई। देन हमने एक्स और वाई में कोई ना कोई इनपुट लेनी भी है, ये जस्ट शो होगा स्क्रीन पे। अब इनपुट लेनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन का एक मेथड है जो कि आप लोगों ने कॉल करना है, और देन आप लोगों ने इस मेथड को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट डॉट 2 in 32, और देन यहाँ पे x की जगह जस्ट यहाँ पे हम सिंपली y लिख लेते हैं। तो आपके यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने x और y में एक तो हम लोगों ने शो करवाया और देन इनपुट भी सीख ली। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हुई तो जस्ट आप यहाँ से भी सिंपली हमने किसी चीज़ को कंसोल पे कैसे शो करवाना है वो भी यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, और देन अगर हमने इनपुट लेनी है इंटीजर फॉर्मेट में तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जस्ट हम लोगों ने चेक करना है कि हम लोग यहाँ पे जो है कौन सा नंबर है आपके पास ग्रेटर देन और कौन सा लेस देन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने इस एग्जांपल में लास्ट एग्जांपल में हमने ये देखा था, इस एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन करके मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के थ्रू। तो एक ऑपरेटर था हमारे पास के ग्रेटर देन का, तो वो क्या था हमारे पास एक्स ग्रेटर देन वाई, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ लिया था। तो अगर हमारे पास एक्स ग्रेटर देन वाई होगा तो हम लोग वहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड। लाइन से क्या होगा कि आपके वो पॉइंटर जो है नेक्स्ट लाइन पे एक आ जाएगा, जिस तरह सी आउट में, जिस तरह सी प्लस प्लस में आपका एंडल का होता है एंड लाइन का, यहाँ पे वो राइट लाइन का मेथड आप लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लें एक्स ग्रेटर देन वाई, देन नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, एल्स इफ एक्स लेस देन वाई। अब यहाँ पे एल्स जब हम लोगों ने यूज़ किया था तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एल्स जो आपके पास ये वाली कंडीशन है तभी एक्सक्यूट होगी जब आपकी ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑपरेटर हैं ना वो सारे के सारे एक दफ़ा एक्सक्यूट हो के हमें समझ लगे कि एक्चुअली हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो आपको ये बताया था कि जब हम इफ़ लिखते हैं तो वो आपका इफ़ जो वहाँ पे स्टेटमेंट कंडीशन लगी होगी वो मस्ट है कि एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो अगर हमने किसी कंडीशन को मस्ट चलाना ही चलाना हो तो आपने जस्ट इफ़ लिखना है, एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे इफ़ लिखेंगे इफ़ एक्स लेस देन वाई, तो यहाँ पे एक्स लेस देन वाई हम कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि एक्स जो है इक्वल इक्वल टू वाई हो सकता है, तो यहाँ पे डबल इक्वल लगाएंगे। अब डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पे क्या क्या हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या है, तो वो आप लास्ट वीडियो को देख के वहाँ से आप लोग इजीली समझ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग सिंपली आउटपुट कर देंगे एक्स एंड वाई आर इक्वल्स। देन इसके अलावा हमारे पास जो ऑपरेटर हैं इफ एल्स में हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास सिंपली ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल इक्वल टू के ऑपरेटर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखे थे। अब यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो लेस देन एंड इक्वल टू का ऑपरेटर भी है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू वाई करते हैं, तो आपका यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके दोनों ऑपरेटर
सेम टाइम पे काम करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये एक्स जो है वो लेस देन, पहले चेक करेगा वाई है या नहीं, देन उसके बाद अगर तो एक्स लेस देन वाई नहीं है, एक्स इक्वल इक्वल टू वाई है, तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि अगर एक्स लेस देन वाई है तब ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर यहाँ पे क्या है कि एक्स अगर इक्वल टू वाई है देन ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो ऑपरेटर है आपका लेस देन एंड इक्वल टू दोनों सेम प्लेस पे आ गए हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका एक्स आपका इक्वल टू है तब भी ऑपरेटर हो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर लेस देन है तब भी ट्रू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे एक्स एंड वाई आर इक्वल्स, आर यहाँ पे एक्स लेस देन वाई आपका दोनों हो सकती हैं, ठीक है, ठीके? यहाँ पे दोनों कंडीशन आपकी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज दोनों हैं। देन इसके बाद आपके पास एक और ऑपरेटर होता है इफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई। अब इसमें क्या होगा कि दोनों जो आपके पास ऑपरेटर हमने सेपरेटली लिखे थे वो भी यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे, तो इसकी कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और देन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब ये याद रखें कि हमने यहाँ पे सिंपल हम जस्ट इफ यूज़ कर रहे हैं, एल्स यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी सब की सब स्टेटमेंट जो है कंपाइलर एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखेगा कि ये क्या ये ट्रू आती हैं या फॉल्स होती हैं। अगर ये ट्रू होती हैं तो आपकी जो आउटपुट है वो शो हो जाएगी, अदरवाइज शो नहीं होगी। तो एक्स एंड वाई आर इक्वल्स और एक्स जो है ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, आर एक्स ग्रेटर देन वाई। देन इसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है यहाँ पे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो नॉट के लिए आप फैक्टोरियल का साइन जो है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल्स। तो अब ये आपके पास 6 ऑपरेटर हैं, सिंपली ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, और नॉट इक्वल टू का। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपकी 6 6 स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि इफ़ और एल्स में क्या डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे मैं, क्योंकि यूज़र से हम लोगों ने इनपुट ली है, तो सिंपली हमने इनपुट लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू जो है 5 इंटर कर देता हूँ और वाई की वैल्यू जो 8 इंटर कर देता हूँ। तो एक्स लेस देन वाई ये भी ट्रू है, देन एक्स एंड वाई आर इक्वल्स और एक्स लेस देन वाई ये भी आपके पास एग्जीक्यूट हो गई है, देन एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल्स तो ये भी ट्रू हो गई है, ठीक है। इट मीन्स कि सारी सारी स्टेटमेंट उसने चेक की हैं। अब नेक्स्ट में कोई और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, तो लाइक मैं अगेन यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं दोनों की वैल्यू जो है सेम दे देता हूँ, तो एक्स की वैल्यू हम 10 इंटर करते हैं और देन वाई की वैल्यू भी 10 इंटर कर देते हैं। तो आपके पास अगेन एक्स एंड वाई आर इक्वल्स, एक्स एंड वाई आर इक्वल्स और एक्स लेस देन वाई, एक्स एंड वाई आर इक्वल्स और एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि अगर वो इक्वल टू हो तब भी एग्जीक्यूट हो जाए और लेस देन हो तब भी एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर वो ग्रेटर देन हो तब भी एग्जीक्यूट हो जाए और इक्वल हो तब भी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है कि ये कैसे काम करती हैं। तो ये आपके सारे के सारे ऑपरेटर जो इफ़ में यूज़ होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं।